से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, न से च से चरखा, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, य माने ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढकना, ड़ से नमस्कार दोस्तों, मैं अगस्त हूं। आज आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर के बजाय मैं ये क्या पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली हुआ यूं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मेरे घर में कुछ बच्चे ये पढ़ रहे थे। दो में पढ़ने वाला एक बच्चा ये पढ़ रहा था, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा माने कुछ। मेरे दिमाग में अचानक से आया और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पे एक वीडियो बनाया जाए, आपको समझाया जाए कि इसका यूज कहां होता है। न यो र, हाउ कैन यूज दिस सेंटेंसेस, दिस कैरेक्टर्स, सॉरी दिस कैरेक्टर्स, इन अक्षरों का यूज कहां होता है, इनको क्यों हमारे वर्णमाला में रखा गया। वर्णमाला में रखने का इनका मेन रीजन क्या था, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चूंकि आप सब लोग जानते हैं इन वर्णमालाओं से अथवा परिचित होंगे, ज्यादा विशेष मैं इनके ग्रामर में नहीं जाऊंगा कि इनको कौन सा वर्ग कहते हैं, ये कौन सा वर्ग है, ये कौन सा वर्ग है, ये कौन सा वर्ग है। टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल संख्या होती है 52, स्वर और व्यंजन दोनों लेके। लेकिन इन तीन अक्षरों का या चार अक्षरों का या पांच अक्षरों का, यहां की बात ये समाप्त हो गए, इन पांच अक्षरों का यूज कहां कहां ज्यादा होता है। अंग्रेजी में यहां तक के अक्षरों को हम दर्शाते हैं यन से, और इन सबका स्थान एक बिंदी ले सकती है। आपको लिखना है नंदन, तो या तो नंदना पैसे लिखिए या तो नंदना ऐसे लिखिए, दोनों सही माने जाते हैं। गंगा लिखना है तो आपको अंडा लिखना है, तो या तो अंडा आप ऐसे लिखिए या तो अंडा आप ऐसे लिखिए, दोनों सही माना जाता है। लेकिन रियल में इन शब्दों का यूज कहां होता है, बिना समय गवाए आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप सारे लोग जानते होंगे, इसको हम कहते हैं कौवर, इसको हम कहते हैं चावर, इसको हम कहते हैं टावर, इसको हम कहते हैं टावर, इसको हम कहते हैं पावर। आप सभी लोगों को ये विदित होगा, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि इसको कौन सा वर्ग कहते हैं, इसको कौन से वर्ग कहते हैं। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि अगर हमको डंडा लिखना है, डंडा, 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 इन तीनों डंडा में से सही कौन सा है। जाहिर सी बात है आप कहेंगे ये वाला डंडा सही है। अगर मैं पूछूं क्यों क्यों ये वाला डंडा सही है और ये वाला डंडा गलत है, यहां पे बिंदी है ध्यान दीजिएगा, ये वाला डंडा क्यों गलत है और ये वाला डंडा क्यों गलत है,
इन्हीं सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि ये डंडा कौन क्यों सही है और इन अक्षरों का यूज कहां होता है। हम आपको यही बताने वाले हैं कि इन अक्षरों का यूज कहां होता है। ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, इसके ग्रामर पोर्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन इनका यूज कहां होता है, क्यों होता है, यही सिर्फ बताएंगे। शायद अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये है कवर, चावर, टावर, पावर, पावर। इन सारे में जो लास्ट वाला अक्षर है, एक प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा सा भिन्न होता है, मुंह और नाक के संयुक्त से बोला जाता है, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म। एक दो तीन चार पांच, ये पांचों अक्षर जो हैं अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको अंडा लेना है, ये मैंने अंडा लिखा, यहां पे मैंने अंडा लिखा, ये अंडा। अब हम देखेंगे कि जिस पे आधा न है, जिस अक्षर पे आधा न लगा है, वो अक्षर किस वर्ग से आया है। ये जिस पे आधा न लगा हुआ है कौन सा अक्षर है, ये है ड। और ड किस अक्षर वर्ग से आया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें यहां पे ड है, यहां पे ड मौजूद है। ये ड, ड किस वर्ग से आया है, ट वर्ग से आया है। अगर ट वर्ग के किसी भी अक्षर पे आधा न लगाना है तो यहां आधा न का काम ट वर्ग के लास्ट वाला अक्षर करेगा, ड। यानी अब यहां आधा न लगा के ड लगाएंगे। ये सही लिखा हुआ है, इसके पहले जो लिखा हुआ था गलत लिखा हुआ था। अगर आपको लिखना है गंदा, गंदा क्या लिखा हुआ है, गंदा। अगर गंदा, ये सही लिखा हुआ है, गंदा को देखेंगे कि द किस वर्ग से आया है, द को देखेंगे तो द जो है त वर्ग से आया है, और त वर्ग पे अगर आधा न का काम करना है तो किसको यूज करेंगे, न को यूज करेंगे। तो यानी कि ये सही लिखा हुआ है। आपको लिखना है संजय, ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है संजय। संजय सही है, मैं कह रहा हूं गलत है। अब यहां जिसपे आधा न लगा हुआ है, यानी ज, ज को देखेंगे कि किस वर्ग से आया हुआ है, तो ये किस वर्ग में है, च वर्ग में है, च छ और ज। जब ज पे आधा न लगाना है तो हम किसका यूज करेंगे, य का यूज करेंगे, यानी यहां न न होके य होगा। ये सही है। इसी प्रकार सारे अक्षरों में, सारे वर्णों में इसी तरीके से हम यूज करेंगे। अगर आपको चंचल लिखना है, चंचल, आप कहेंगे चंचल सही है, लेकिन नहीं, जिसपे आधा न लगा हुआ, आधा न किस पे लगा हुआ, च पे लगा हुआ है, तो च को देखेंगे कहां से आया है, च आया है अपने च वर्ग से, और च वर्ग पे अगर आधा न लग रहा है तो यहां आधा न का यूज करने के लिए किसका यूज करेंगे, य का यूज करेंगे, तो यहां य पे ये होगा। अब चंचल सही है। इसी तरीके से अगर आपको गंगा लिखना है, गंगा, वैसे तो इस तरीके से गंगा आप नहीं देखते होंगे, गंगा सिंपल सा ऐसा लिख जाता है। अगर आपको गंगा लिखना है
तो गंगा ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब ग को देखेंगे, ये वाला ग जिस पे आधा नाल लगा हुआ है, ये ग किस वर्ग से आया है? ये वर्ग आया है क वर्ग से, क ख ग। अब ग पे आधा न लगाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? न का यूज करेंगे। यानी गंगा अगर लिखना होगा तो आपको किस तरीके से नहीं लिखना है, आपको लिखना है ये गंगा, ये गंगा लिखा हुआ है सही। गंगा इस तरीके से ये गलत है, ये सही है। तो ग्रामेटिकली अगर किसी एग्जाम में ऐसे कुछ वर्ड आए, इसमें से कौन सा सही वर्ड है, तो आप इसका सहारा जरूर लीजिएगा। अगर आपको पंपा लिखना है, तो पंपा ये सही नहीं है। यहां पे आपका आधा न किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। अगर न लगेगा तो, वैसे न इसमें आता नहीं है क्योंकि होठ से बोलने वाले शब्द हैं, और होठ से जितने भी शब्द बोलने वाले शब्द हैं वहां पे न नहीं आता, वहां पे आधा न के लिए हम म का यूज करते हैं इसका। तो यहां पे हम आधा म लगाएंगे, ये बिंदी हटा देंगे, ये सही है। वैसे किसी भी होठ से बोलने वाले शब्दों में आधा न आप नहीं देखेंगे, बम्बा शंपा चंपा बंबू शंभु, आधा म ही होता। किसी भी होठ से बोलने वाले शब्द में आधा न का यूज आप कभी देखेंगे नहीं। तो अब आप शायद अगर आपको ये समझ में आना है कि इनका यूज कहां होता है, अब ये आपको अच्छे तरीके से आ गया। अगर आपको लिख के दे दिया जाए, आपके एग्जाम में किसी आ जाए कि अंडा अंडा अंडा, इसमें से कौन सा सही है, तो ड को देखेंगे कि ड जो है किस पे आधा ना लगा हुआ है, ड किस वर्ग से आया है, इससे आया है, इससे आया है, तो इसपे आधा ना का इसका ये इसका यूज करेंगे, यानी ये वाला सही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।